चल बोल बोल, बहुत 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 स्वागत है आपका नेक्स्ट सुबह में। स्वागत है मेरी वैसे खुद नहीं हुई अभी सुबह आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई सुबह में। तो आज जो है प्रत्युष आया था 2-3 दिन के लिए हमारे घर पे, उसके पेपर ख़त्म हो गए थे, तो आज जो है वो दोबारा वापस जा रहा है, तो उसको मैं यहाँ मेन रोड में छोड़ दूँगा, फिर बस में वो सीधा डायरेक्ट जम्मू जाएगा। आज जो पेंडिंग थोड़ा सा काम है दुकान वगैरह का वो कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं कुछ आज कुछ करते हैं जाते हैं। थोड़ा माइंड भी स्ट्रेसफुल रहा था 3-4 दिन से। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बैठो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बाकी कुछ रह गया होगा तो आप भिजवा देना, पकड़ इसको। ओके सर, आस्ता आस्ता सर, नहीं डायरेक्ट बस सीढ़ी होती है, होती है पक्का चलो जी आ गए हैं जी। अभी बात गाड़ी का वेट करेंगे, गाड़ी आएगी, बस आएगी तो उसमें हम जाएंगे। मेरे घर में जो आएंगे आएंगे नहीं जाएंगे। तो जी प्रत्युष की बस जो है वो आ गई है। आ जा प्रत्युष, आ जा। तो वाली पुली पे ठीक है? ओके सर। तो जी प्रत्युष को मैं गाड़ी चला के जैसे घर पे पहुंचा था, अभी तैयार होके मैं दुकान पे निकलने वाला था। अभी देखो जस्ट इन्होंने हमें एक काम बोला कि ये डब्बे में डालना। नहीं, ये डब्बे में डालना कोई काम है? क्या काम? ये तू नहीं डाल सकती इसको? तो फिर व्हाई आर यू इरिटेटिंग मी? ये तो नीचे से खोलना पड़ेगा, काम लंबा है। पता चला क्या करना है? देखो मैं भी डाल सकती थी, ये तोड़ नहीं देना, राड़े टूटेंगी इसकी। ये तो अगली सर्दियों में नया लाना पड़ेगा। इसको क्यों खोल रहे हो? कैसे करना पैक? पैक क्यों करना इसको? आपका मुंह इतना अच्छा है, मैं मुंह पे रखूं कैमरा? ऐसा तो ठीक ही है, सभी मिनट में शादी के लिए राजी हो गई। अभी तो सर्दी बहुत है, इसको क्यों डाल रहे हो? बड़ी सर्दी यार, आपने तो लगाना बेडरूम में, ठीक है? अच्छी तरह से पैक करो, हिले ना। इसको अरे हिलेगी तो राड टूट जाएगी ना इसकी। पार्सल नहीं करना है, पर इसकी राड टूट जाएगी ना। हिलना क्या क्या, भूकंप आ रहा है, क्या हमने उठा के ऊपर रखना? इसमें क्या हिलने से क्या मतलब है इसका? चलो जी रखो इसको ऊपर, शाबाश। इधर रख दो। हाँ इधर रख दे। चलो बस इतना ही काम था, उतरो नीचे। अब दूसरा ऐसे ही रखा था, दूसरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो गाइस ये जो शादी का होता है ना, यहाँ मत देखना, बड़ी हालत खराब है। ये हमारी शादी का देखो, ये बनवाया था, हमारे रिचुअल होते हैं। तुषार बेड स्पून, तेरे नाम की स्पेलिंग कैसे है? नहीं, मेरे नाम का PUNA। और ये देखो, ये दहेज में यही बोरी लेके आई थी, इधर रखी हुई है मैंने, ऐसे कपड़े नीचे कर गए तो रख देना ऊपर, ठीक है? तो ठीक है जी, फिर चलता हूँ अभी दुकान पे। क्या गाड़ी की है पास में? हेलो। तो अभी आज क्या है कि हमारा ना सियोट में भी सत्संग होता है, वार्षिक जो होता है, तो अभी हम जा रहे हैं सभी फैमिली वाले वहीं पे। तो लेट हो गए हैं काफ़ी, निकलना जल्दी था, माता जी बैठ गए गाड़ी में ही, तो गाड़ियों में ड्राइव पापा को करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं वीडियो शूट करनी है या फिर गाड़ी ठुक जाएंगे कहीं, ठीक है? देवी यहाँ पे है और पिताजी। Hearts beat to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.
तो चलिए जी अभी यहाँ आगे ये रहा सत्संग, देखो यहाँ पे चल रहा है अभी अंदर, अभी जाते हैं यहाँ पे, गाड़ी लगा दी यहीं पे एक्चुअली, क्योंकि अंदर लेने की जगह नहीं है, कहीं पे पार्किंग नहीं है। प्रभु के भजन के बिना रह नहीं सके, जल प्यारा जीव मछली, नबी प्यारा दाम, माता प्यारा बालका, भक्त प्यारा नाम। तो जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, प्यारे हैं, हर भक्त नाम में अपना जीवन यापन करते हैं। तो महाराज भी यही बता रहे हैं, नाम ही राश कमाए। तेरे कदमों में हर दम में ये अपना सर झुकाऊंगा। तो जी सत्संग भी हो गया ख़त्म, तो अभी बाकी का काम होगा शुरू। फोटो खींचिए खाना वाना खा लिया, अब निकलते हैं घर की ओर। चलना घर पे चलना, मैंने इधर ही रहना। हाँ ठीक है, तो अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे, तो उसके बाद ही हम देखते हैं, अभी निकलते हैं घर की ओर भी। आज हम उसका घर पे क्या करें, तो दिन भी चलो ठीक निकल गया, तो नई जगह भी, तो घर में बैठे बैठे क्या करेंगे, बंदा कितने देर बैठ सकता है। तो चलो जी आज का दिन यहीं था, यहीं पर अभी घर जाते हैं, देखते हैं कोई सीन बनता है कुछ तो फिर बताएँगे आपको। तो यहीं तक था, बाकी देखते हैं, प्यार अपना बनाए रखो। तो अभी क्या है कि गाड़ी की जो ड्राइविंग पोजीशन है वो चेंज हो गई, पापा कह रहे हैं मैं गाड़ी चलानी है, तो मैं आ जाऊंगा आपको सीटर पे। पूनम मम्मी चलो आप आगे, पति पत्नी आगे बैठने चाहिए। चलो 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 शाबे, चलो चलो उठो, मैं आप अपनी गाड़ी के बहना इधर थोड़े करना बैठे चलते, नहीं नहीं चलो अच्छा लगता है, ऐसे लगता है अच्छा। तो गाइस आपने अभी सोचा होगा कि मेरे पास अचानक से कैमरा कैसे आ गया, तो फिलहाल गाइस तुषार भी आए हुए थे हमारे घर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि थोड़ा ब्लॉग मैंने बनाया और थोड़ा तू शूट कर ले, क्योंकि ये है कगवाल ब्रदर्स चैनल, तो इसमें सबको मौका दिया जाएगा। तो मेरे तो गाइस एग्ज़ाम चल रहे थे, तो अभी फिलहाल मैं घर पर ही हूँ, तो कहीं जा नहीं पाए, जिप्सी से कहीं घूम नहीं पाए, घूमना का ही एग्ज़ाम जब तक चल रहे हैं, तो चल रहे हैं 11th के, तो एग्ज़ाम है तो गाइस बहुत मुश्किल होती है, आपको पता ही है मुश्किल तो है भाई एग्ज़ाम देने में। तो जब भी ख़त्म होंगे होंगे फिर तो जम्मू जाएंगे, तरुण भैया के साथ अच्छा ब्लॉग शूट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यही है। तो चलते हैं गाइस अभी दुकान पर, थोड़ी ब्रेक लेके कहीं दुकान पे जा रहा हूँ, कहीं मिलाते हैं आपको उनसे भी, के लोगों से मिलना ज़रूरी है गाइस, सबसे ब्लॉग में सबसे मिलवाएंगे आज। और ये फिलहाल हमारे घर की लोकेशन है, तो देखो ये फिलहाल घर है, अच्छी अच्छी लोकेशन है गाइस। तो चलो मिलते हैं, चलते हैं दुकान पे, तो मिलाते हैं आपको लोगों से। और भी और इस लड़के को सिर्फ अपने कुत्ता घुमाने के लिए रखा हुआ है, सही बात है, ये अपना कुत्ता लेके घुमाता रहता है देखो धूप में, चेक करो। हेलो ए रिदू, धूप में काला हो जाएगा तू, कुत्ता घुमा घुमा के गाइस आ गई, ये गोरा है देखो चेक करो। यार लड़के सुनते ही नहीं है गाइस आजकल के, तो गाइस ये देखो ये लड़का कुत्ते को जो क्या बोलते हैं शौचालय भी यहाँ कराता है, चेक करो। ए भाग किधर हो आप, अपने डाको ले जाइए, ये चोरी छुपे भाग रहा, देखो गाइस चेक करो, देखो ये भाग रहा, देखो गाइस यहाँ पे इसको सुसु पोटी वगैरह करा के और भाग जाता है, चेक करो ये देखो। तो गाइस ये देखो, हाँ जी ये दूसरा, ये एक पार्ट ये एक ही है ये भाई, ये कुत्ते का बड़ा है ये, कभी कुछ कभी कुछ, ये देखो गाइस इस तरह से इसका मुंगोटा बनाते हैं, चेक करो। कुत्ता रखना भी आसान नहीं है गाइस। गाइस पेपरों से जिनकी बुरी हालत होती है, तो उनकी हालत देखो, देखो गाइस कितनी बुरी हालत है, मुंह के चाड़े का क्लोजअप भी बिगड़ चुका है, देखो चेक करो। अबे ये पेपर है कि खत्म होने को नहीं आ रहे। अग्रिश भाई आप परेशान हो, बोलो सही कुछ, ब्लॉग बन रहा है मजाक नहीं, फोन देख ले तू कौन सा है भाई, तंग मत करो मुझे, मैं टेंशन। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं, है ना। तो फिलहाल इनसे पूछेंगे इन्होंने कितना प्रिपेयर किया, क्योंकि अरे जो भाग नहीं सकते आप ब्लॉग से, ये देखो शर्माते बहुत ब्लॉग में लिया ना, क्यों शर्माते, अभी इसको ही पकड़ लिया था। तो अभी हम घर जाकर पेपर की तैयारी करेंगे, तो मेरा इतना ही सफर रहेगा, तो इससे मिलने के लिए आया था,
और पूछने के लिए ऐसा कल का क्या सिस्टम सिस्टम क्या क्या किया आपने कुछ तैयार पूरा पेपर तैयार है तैयार है तैयार तो हमें भी है गाइस। तो गाइस फिलहाल दुकान पे तो गया था, दुकान पे जिसे मिलाना था आपको भैया थे नहीं दुकान पे, तो फिर मैं अपने फ्रेंड्स के घर चले गया, तो फ्रेंड से आपको मिलाया था और एक दो जो हमको प्राणी मिले थे यहाँ पे वो भी मिले थे, क्या नाम है उनका जो कुत्ते घुमाते रहते हैं यहाँ पे, चलो उनसे उनका भी क्या करना भाई, कुत्ते रखे हैं तो शौक है भाई पालना ही है, तो मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ मैं अपने दोस्त से मिलने गया था, तो अभी फिलहाल हाल बुरा ही है, तो अभी कल एग्जाम है, देखते हैं क्या होगा, जो भी होगा ऊपर वाला चाहेगा, समझ सकते हो गाइस। स्टूडेंट जो देख रहे हैं ब्लॉग वो समझ सकते हैं कि एग्जाम का क्या प्रेशर होता है, जो बड़े ब्लॉग देखते हैं तो उनको क्या पता, वो तो अपना टाइम गुजार चुके हैं, है ना। उनको दादी से मिलाया ही नहीं, दादी तो पूरे दिन सोई रहती है। हाँ जी क्या चक्कर है, आप सोए क्यों रहते हो पूरे दिन बताइए। सही बात है गाइस, अभी फिलहाल बुरी उम्र है तो उठने नहीं होता, क्या करें, हमारा भी ये टाइम आएगा, तो फिलहाल जाइए। ये मैं ब्लॉग बना रहा, ये तन्नू बनाता, हाँ ये तो चलो क्या करना, फिर भी बहुत बातें हो गई हैं, तो फिलहाल अब आगे तुषार भी कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग को, तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, चलो ठीक है गाइस बाय।